आखिर कौन 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 आखिर कौन 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 आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन क्या बात है, गेट बंद क्यों है? सर इसकी चाबी भूल से राम साहब जी के पास चली गई है। राम साहब जी कहाँ हैं? सर वो घर गए हैं, मैं अभी भेज के मंगवाया हूँ चाबी, अभी आ जाएगा 10 मिनट में। कितनी देर में आएंगे राम साहब? सर 10-15 मिनट लग जाएगा। और कोई तरीका है? सर और चाबी आएगा तो ही खुलेगा ना। फोन है यहाँ पर? सर अंदर है फोन। यस सर। नहीं सर वो रास्ते में ट्रैफिक जाम था थोड़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि पिछले 18 सालों में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। इन 18 सालों के दौरान आप सबके सहयोग से मैंने एक होटल से शुरुआत की और आज मैं मिराज ग्रुप के 27 होटल का मालिक बन चुका हूं। लेकिन कल किस्मत कुछ और थी और आज वक्त कुछ और है। मैंने फैसला किया है कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा हूं, इसलिए मेरा पूरा होटल का कारोबार मैं मिस्टर मल्होत्रा को सौंप रहा हूं। प्लीज मीट यंग डैशिंग डायनामिक मिस्टर मल्होत्रा फ्रॉम बेल ग्रुप ऑफ होटल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्पेशली मिस्टर वर्मा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर वर्मा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने मिराज ग्रुप ऑफ होटल्स की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस इस मिराज ग्रुप ऑफ होटल्स को और आगे ले जाऊं। आई आई इनसे मिलिए। आप हैं निशिगंधा जी, हमारी पब्लिक एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। हेलो। और इनसे मिलिए, ये हमारे ग्रुप ऑफ होटल्स के बैकबोन है, मिस्टर आकाश, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हेलो मिस्टर आकाश। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर वर्मा, आपके इंटीरियर डिजाइनर से मिलकर बहुत खुशी हुई। वेल, हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। मैंने पिछले 5 सालों में इन्हें खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर इन्होंने हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब कर दी। देखिए वो मेरे बिजनेस एथिक्स हैं। वेल आई नो यू आर वेरी लॉयल टू हिम। वैसे आजकल रॉयल लोग भी लॉयल नहीं होते। नाइस जोक। थैंक यू वेरी मच। आइए, वेलकम सर। आइए। आकाश, क्या बात है, इतनी भरी महफिल में तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं,
ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कम ऑन, सोचो मत, एंजॉय योरसेल्फ। देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप को ही सुदासी की परछाइयों से बाहर निकालो। चलो कम ऑन, लेट्स गो फॉर डांस। नहीं जी, तुम तो जानती हो कि मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड आई डोंट एंजॉय डांसिंग। सॉरी। इट्स ऑल राइट। Can you join me for dance, please? What are you? जा कर रहे हैं इस तरह पार्टी छोड़कर। देखिए मुझे इस पार्टी के शोरगुल से दूर जाना है प्लीज। पर ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है जो आपका पीछा कर रहे हैं? कुछ नहीं, nothing. Just take it easy. Anyway, thanks for helping me out and give me a wonderful company. It's okay, लेकिन आप हैं कौन? कामिनी वर्मा. Oh, I am. आकाश, जानती हूँ कि आप इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट हैं. मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहती हूँ. कहिए।
मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरा घर डिजाइन करें। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन नहीं, आप कल शाम को आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके, लेकिन आप रहती कहाँ हैं? टेंट्रोथ जू अशना बंगलो, आप कल आएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। कामनी, तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है और दिल भी। इतने बड़े घर में क्या तुम अकेली रहती हो? एक तस्वीर रहती है मेरे साथ। तस्वीर? किसकी तस्वीर? मेरे पति की। तुम्हारे पति? जिंदगी में मुझे उनका साथ तो नहीं, लेकिन उनकी एक तस्वीर जरूर मिली है। ये क्या कह रही हो तुम? आकाश में उनकी वाइफ जरूर हूं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं। उनके पैसों ने मेरा रूप तो खरीद लिया, लेकिन हमारे बीच कभी दिलों का सौदा नहीं हुआ। हमारी जिंदगी सिर्फ एक समझौता बन के रह गई है। तो ये मिस्टर वर्मा की बीबी है? हर छोड़ो, मैं भी कहां इमोशनल बातें लेके बैठ गई। मैंने तो आपको अपना घर दिखाने के लिए बुलाया था। इट्स ओके, आइए ना। ये मेरा बेडरूम है, आप अपने ड्रिंक बनाइए। Make yourself comfortable. I'll just join you. In a minute. Is God who has created you.
तो मुझे वहां नीचे अकेला छोड़कर खुद यहां के सो गए? यू नॉटी गर्ल। ओ कामिनी कम हियर डन। ओ नो मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा की बीबी। केरोसिन है? केरोसिन? माचिस? हाँ है, मगर क्यों? जल्दी लेकर आओ प्लीज। जस्ट मैं अभी ला। प्लीज जल्दी करो। आज क्या है ये सब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी करो।
काश अब तो बताओ क्या हुआ। मिस्टर वर्मा का खून हो गया। हाँ, मैं उस वक्त वहीं पर था। ओह माय गॉड, तुम वहां क्या कर रहे थे? मुझे मिसेस वर्मा ने अपने घर पर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बुलाया था। अचानक बीच में वो गायब हो गई और जब मैं उसे ढूंढने निकला तो मुझे वहां मिस्टर वर्मा की लाश मिली। आकाश, इसका मतलब तुम्हारे शर्ट पे वो खून? हाँ, मिस्टर वर्मा का ही था। मैं वहां से भागा और तुम्हारा घर पास था इसलिए मैं यहां चला आया। वहां तुम्हारे सिवा और कोई था? हाँ? नहीं। जब तुम निर्दोष थे तब तुम वहां से भागे क्यों? तो मैं क्या करता, वहां लाश के पास खड़ा रहकर पुलिस का इंतजार करता कि वो आकर मुझे मिस्टर वर्मा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आकाश, वहां पुलिस को तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, जगह जगह पर निशान मिलेंगे और तुम्हारे वहां होने का सबसे बड़ा सबूत है मिसेस वर्मा। वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, कब तक भागते फिरोगे तुम? आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन,